बिरादरी लोग इस कदर कर रहे हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सबसे पहले अपना जिक्र किया, फिर अपने हबीब का जिक्र किया, और तीसरे नंबर पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किया वो वालिदैन का जिक्र किया, और यहाँ तक किया कि उफ़ लहुमा, कि उनके सामने उफ, ऊंची आवाज तो दूर की बात, सिर्फ उफ तक भी कहने की इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी। और आज माँ बाप के सामने लोग खड़े होकर आंखों से आंखें मिलाकर ऊंची आवाज में बात करते हैं। अभी हमारे साथी गश्त कर रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, तो वो बता रहे थे कि जब हम गश्त कर रहे तो गश्त ही के दौरान एक आदमी नौजवान लड़का के सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा होकर जोर जोर से अपनी वालदा को गालियाँ दे रहा है। तो जमात के साथी दो तीन आदमी उसके पास गए, जाकर कहने लगे कि भाई वालदा को गाली क्यों दे रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैंने इस बात पे अपनी वालदा को गाली दे रहा हूँ, मैंने इन्हें अंडे बनाने के लिए कहे थे, इन्होंने आलू बना के रख दिए। सिर्फ इतनी सी बात पे बीच सहन में, बीच सड़क में खड़ा होकर अपनी वालदा को गाली दे रहा है। वो साथी उसको समझा कर अंदर लेकर गए तो उसकी वालदा ने कहा कि भाई ये तो एक छोटी सी बात है, ये तो मुझे रोजाना घर आके पीटता भी है अगर मुझसे कुछ छोटी गलती हो जाती है। और बाकायदा उसकी माँ ने अपना एक जगह से जिस्म का हिस्सा खोलकर उन लोगों को दिखाया कि देखिए किस कदर दंडील पड़े हुए हैं, इस कदर मेरी पिटाई करता है। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर जैसा हम अपने वालदेन के साथ करेंगे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारी औलाद हमारे साथ करेंगे। ये एक किताब की तरह है कि जिस तरह तुम अपनी औलाद के साथ कर रहे हो, जिस तरह तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, ये एक किताब लिखी जा रही है, फिर इसी चीज़ को तुम्हारे बच्चे तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। ये मत कहना कि फिर हमने ये हो रहा नहीं, जिस तरह तुमने कहा और जिस तरह तुमने अपने वाले साथ वालदेन के साथ किया, ठीक उसी तरह तुम्हारी औलाद भी तुम्हें कहेगी और तुम्हारे साथ बर्ताव करेगी। इस बयान को लाइक करें और इस बयान से मुतालिक अपने ख्यालात हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। खैर की बात शेयर